Namaste and good morning everyone. Today I stand before you not as an adult with a year of experience but as a 12-year-old with a passion for coding and technology. A little boy who has ventured into the world of HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL and Python programming. आम तौर पर मेरी उम्र के बच्चे खेलने में लगे होते हैं, लेकिन मैं YouTube से कुछ नया सीखा। मेरा नाम है यश शर्मा और मैं बिहार राज्य के छोटे से जिला छपरा से बोल रहा हूँ। उधर गांव में क्या होता था, मेरे कुछ दोस्त होते थे तो वो मेरे से कहते थे कि यश से ये नया गेम आया है, डाउनलोड करो। मैं उस गेम को देखता था और डाउनलोड कर लेता था। तो एक गेम था, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, वो छूट नहीं रहा था और कितनी बार तो मैंने अपने पापा से डांट भी खाई है गेम के लिए। तो फिर उस गेम में एक हैकर आ गया था और उस हैकर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हैकर कैसे बने। तो मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे हर वीडियो में एक चीज़ कॉमन दिख रही थी, कोडिंग। फिर मैंने देखा कि हर वीडियो में कोडिंग बताया जा रहा है कि कोडिंग से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर, ऐप, सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया कि कोडिंग क्या है, फिर मैंने उसको धीरे धीरे समझा, जैसे HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ऐसे और भी लैंग्वेज सीखा। फिर मैं अपने चाचा के पास गया और उनसे कहा कि चाचा मेरे को खुद की एक कंपनी खोलनी है। वो बोले हंस के कि किस चीज़ की कंपनी खोलनी है। मैंने कहा चाचा मेरे को IT कंपनी खोलनी है। तो उन्होंने कहा कि IT कंपनी खोलनी है तो उसके लिए कुछ नॉलेज भी होना चाहिए कि IT में होता क्या है, वो बिज़नेस क्या है। तो मैंने कहा कि हाँ मेरे को नॉलेज है। उन्होंने बोला किस चीज़ का नॉलेज है। मैंने कहा मेरे को कोडिंग का नॉलेज है। तो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर मैंने 6 घंटे तक एक वेबसाइट पे काम किया और उनको दिखाया। वो एकदम से सरप्राइज हो गए, बोले ये तुम कब सीख गए। मैंने कहा चाचा अभी कुछ 3 या 5-6 महीने हुए हैं। तो फिर उन्होंने भी मेरे को गाइड किया कि हाँ ये और चीज़ें होती हैं। उन्होंने मेरे को बताया मशीन लर्निंग और AI भी होता है। तो फिर मैं भी सीखता गया। फिर मैंने चाचा से बोला कि चाचा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनमें क्या होगा कि जैसे आपकी कंपनी है और मेरी कंपनी, तो जैसे आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, वो आप मतलब परफॉर्मेंस बहुत बुरा दे रहा है, तो आप इस वेबसाइट पे आइए, लॉगिन करिए, साइन अप करिए और उस परफॉर्मेंस बताइए कि हाँ इसका क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद अब जैसे मेरी कंपनी है तो मैं उस वेबसाइट पे गया और लॉगिन किया अपनी ID और उसके बाद मैंने उस जो एम्प्लॉय है उसका पैन कार्ड और उसका नाम डाला। अब उस पैन कार्ड से उसकी पूरी जो अगर वो पिछले कंपनी में गई है चाहे गई है तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये इस कंपनी में गई थी या गई थी और फिर मैं मतलब देख पाऊँगी कि हाँ ये कैसी है। फिर आप लोग को डिसाइड करना है कि वो मेरे साथ हमारी कंपनी में रहेगी या फिर नहीं रहेगी या फिर रहेगा। फिर उन्होंने और मैंने मतलब मिलके ये मतलब सॉफ्टवेयर बनाया और आप लोगों को खुशी होगी कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी लॉन्च भी करने वाले हैं। तो सोचिए इससे कितनी सारी कंपनियों का सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने मतलब बताते नहीं हैं कि हम इस कंपनी में होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर मैंने और भी वेबसाइट बनाई और आप लोग को जान के ये खुशी होगी कि मैंने 100 से अधिक वेबसाइट बनाई हैं और वो भी डायनेमिक। अब आप लोग सोचेंगे कि ये डायनेमिक होता क्या है, तो मैं आपको एकदम ईजी बताता हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी है, उसमें जो स्केल्टन होता है मतलब हड्डी, तो जो HTML होता है वो आपकी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि आपने लिख दिया होम पेज, अबाउट, ये कंपनी है, इसका नाम लिख दिया और इमेज लगा दी। अब CSS क्या करता है, आपकी बॉडी में जैसे कुछ कलर्स होते हैं
जैसे कि आपका आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे, नोज यहाँ पे, तो सीएसएस क्या करता है, कलर्स अप्लाई करता है और किसी चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जैसे आपका ब्रेन है सेम वही, जैसे आपको प्यास लगी आपने पानी उठाया और पी लिया, तो आपने ब्रेन ब्रेन को बोला ना भाई मेरा हाथ ले और उठा के पानी पिला दे, तो जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स डालता है और फंक्शन बनाता है। इन तीनों को मिला के एक सिंपल सी वेबसाइट बन जाती है। तो फिर मतलब आप लोग को जान के भी ये भी खुशी होगी कि मैं मशीन लर्निंग और एआई पे भी जा रहा हूँ। अभी मतलब मैं पाइथन सीख चुका हूँ, मैंने पाइथन पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और मशीन लर्निंग भी अभी सीख लिया हूँ और एआई पे भी अभी जा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप सब लोग कर सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। जैसे मैं मतलब हम सब टेक्निकल स्किल्स को अपनाते हैं, हम जो आसपास की दुनिया है उसको बेहतर बना सकते हैं, और ऐसा आप सब कर सकते हैं। और मैं आप सबके साथ इस सफलता की जर्नी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? तो आज से सोशल मीडिया का सही उपयोग करिए और अपने बच्चों या भाई या भतीजों को बोलिए कि तुम भी ये सीखो सोशल मीडिया, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ, मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया। तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए, कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए, हर कदम पे तुम्हारे निशान हो जाए, कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए, हर कदम पे तुम्हारे निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी की इस कदर करो कि तुम्हारी मिसाल बन जाए। थैंक यू, नमस्कार।